शहबाज हुकूमत की जी हुजूरी 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट तैयार कर लिया गया है। रवामा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, यकुम फरवरी 2023 से मिनी बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तफसीलात क्या है जानेंगे उमर हयात से। उमर बताएगा जराए इस हवाले से मजीद क्या बता रहे हैं। 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट हुकूमत की जानिब से तैयार कर लिया गया है और यकम फरवरी 2023 से मिनी बजट पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त तातुल का शिकार है और उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए IMF के मुतालबात को हुकूमत की जानिब से माना जा रहा है और मिनी बजट के जरिए दरामदार पर फ्लड लेवी जो है वो आयद की जाएगी। दरामदी खाम माल और फर्निश जो आइटम है उन पर भी फ्लड लेवी आयद की जाएगी। ऑर्डिनेंस के जरिए दरामदी लग्जरी आइटम्स पर 3% तक फ्लड लेवी लगाई जाएगी और जिन दरामद अशिया पर कस्टम ड्यूटी 0 है वहाँ 1% फ्लड लेवी जो है वो लगाई जाएगी। मकामी सतह पर भी फ्लड लेवी आयद किए जाने का इम्कान है और इसके साथ साथ बैंकों के फॉरन एक्सचेंज मुनाफे पर भी जो है वो फ्लड लेवी आयद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मिनी बजट पर कल भी ब्रीफिंग दी है और मिनी बजट पर IMF को एतमाद में लिया जा रहा है, लेकिन आज भी इस हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास होगा और इस इजलास में ये इस मिनी बजट जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जा रहा है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। अभी कुछ देर पहले हमारी वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से इस हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि नंबर्स जो है वो कंफर्म नहीं है कि कितने जो है वो रुपए का कितने अरब रुपए का मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से IMF की डिमांड है कि टैक्सेस में इजाफा किया जाए, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाए। तो इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत अब IMF के तमाम मुतालबात तस्लीम करने जा रही है और ये मुतालबात जो है वो IMF के 9th जो रिव्यू होना है उसके तहत हुकूमत की जानिब से IMF के मुतालबात मानने जा रही है। इस हवाले से आगाह कर रहे थे उमर हयात, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, एक तरफ मुल्क में जाड़ा अपने जुबन पर है तो दूसरी जानब सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। पंजाब में ताहाल निगरा हुकूमत का तायुन ना हो सका, KP असेंबली भी तहलील हो गई है, इमरान खान अपोजिशन को भरपूर टफ टाइम दे रहे हैं, अपने मुतालबे इलेक्शन से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध की सियासत में भी पूरा उबाल आ चुका है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब मेयर की जंग छिड़ गई है। पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर भरपूर किस्म के इल्जाम लगा रही है। मामला कहां जाकर रुकेगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, ट्रांसमिशन में आज तमाम मौजू है क्योंकि पंजाब असेंबली भी तहलील हो चुकी है, KP असेंबली भी तहलील हो चुकी है, 35 के करीब जो है वो कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और यकीन के मंजूर कर लिए गए। पंजाब में निगरा वजीर आला कौन बनेगा और कराची में मेयर किस जमात का होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले राजा इमरान कराची में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उस तरफ चलते हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। राजा बताइएगा, ये एहतजाज हो रहा है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात कह रही है कि सही इलेक्शन नहीं हुए, जमात इस्लामी भी इस बात का ऐलान कर रही है कि जनाब उनकी नशिस्तें कम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं कह रही है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आज जो एहतजाज हो रहा है उसमें कौन कौन सी जमातें? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर RO ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और यहां पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जमात इस्लामी और PTI के कारकुनान हैं और साथ ही साथ में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी नज़र आए, तमाम